यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जैसे मेंटली ही करना था आपको। इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है आई 1 1 1। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछा जाए हमेशा इसका वही रिजल्ट होगा। अब आपसे पूछा देन इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स क्या होगा, अगेन वही सेम, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी सेम होता है। तो आप बोलेंगे इज इक्वल टू ए, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट इट डिटर्मिनेंट इज 4, इसका डिटर्मिनेंट 4 है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ऑन ट्रांसपोज। तो आपको पता है ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 4 ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो डिटर्मिनेंट को आप रो में भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉलम में भी। इसलिए देखिए आप कैसे क्वेश्चन से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो मैंने आपके साथ लास्ट 3 पेपर डिस्कस किए थे उसमें मैं आपको एक ही बात पे फोकस कर रहा था, फर्स्ट टारगेट लो कि कैसे 60 करना है और 60 के लिए किस ढंग से फाउंडेशन पढ़ना है वो बताया मैंने आपको। और आप देख रहे हो कि आपको बन रहे इस पेपर में एटलीस्ट 80+ क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते थे, केवल कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, पेपर टफ नहीं था। नोट करते चलिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म पूछे, एक्सपांशन नहीं पूछा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर सेम है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गए 5। इस तरह से आंसर देना है। बाकी आप देखिए आप क्या करेंगे, पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x² - 9y² 2 या होल पावर 2 आप बाहर भी ले जा सकते थे, ये हो गया ऐसा 4x² - 9y² 4, और जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गए 5, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते थे आप। इन द एक्सपांशन ऑफ 1+ax^n इज द फर्स्ट 3 टर्म रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट 3 टर्म मतलब 1, 2 ऐसे ही लिखिए, एंड 3 टर्म इक्वल टू दिस वन, व्हाट इज n इक्वल टू, आपसे बोला है कि n क्या होगा, काफी सिंपल है। देखिए फर्स्ट टर्म होता है हमेशा याद रखिए nx, तो n इंटू ए एक्स, दिस इक्वल टू 12x दिया हुआ है, तो x से x कैंसिल कर लोगे, तो ये देखिए n a इक्वल टू 12, राइट। अब सेकेंड टर्म क्या होता है वो आपको पता है, n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू 64x स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर से अभी भी कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर, और आप इसको इस टर्म से लिखो, ए स्क्वायर है ना, तो ए इंटू ए एन एन माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 64, तो ए एन कितना है 12। अब देखिए आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें, आप इसे ऐसा लिखेंगे an - a, यही तरीका बताया था, इक्वल टू 64 into 2, an कितना है 12, डायरेक्टली 12 का डिवाइड कर दीजिए, राइट, और 12 - a इक्वल टू, अब डिवाइड करिए 64, अब देखिए 64 है तो ये आप चाहो तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 4 से कैंसिल करा तो कितना 16, ये हो गया 3, यानी 32/3, तो a इक्वल टू 12 - 32/3, राइट, तो a इक्वल टू हो गया 36 - 32 यानी 4/3, a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4/3 n इक्वल टू 12, ये 3 टाइम कैंसिल, देन n इक्वल टू 9। स्टेप केवल समझाने के लिए लिखे, अदरवाइज इतनी स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक n इक्वल टू कितना हो गया 9 इज अ राइट आंसर। इसका दूसरा एक और तरीका हो सकता था, मैं बताता हूँ कि आप ऑप्शन से कर सकते थे, कैसे, जब आप जो ऑप्शन का सबसे इजी तरीका 1+ax^n का एक्सपांशन करते तो मिलता 1+nc1ax एंड nc2ax का स्क्वायर। अब सुनिए ये एक तरह से मिला 1+nax एंड सो ऑन। अब सुनिए आपको यहां पर सेकेंड टर्म गिवन है 12x, राइट, अब आप ऑप्शन की हेल्प लेके भी कर सकते थे, पर हाँ उस पर थर्ड टर्म को भी कंपेयर करना पड़ता, बस इतना होता, तो 12 = an और यहां पर n की जगह वैल्यू रख के a निकाल सकते थे, राइट, पर ठीक है इसको मेथड से भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, समझिएगा।
अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कैसे पढ़ाई की है सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। कई बार हम बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी पेपर में अपने आप को छोड़ देते हैं, ये दिक्कत होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 1, 5 एंड 25 कैन बी थ्री टर्म, ये थ्री टर्म है, नॉट नेसेसरी कॉन्जुगेटिव इफ ओनली एन ओनली वन ए पी मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ ए पी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए पी और अगर देखें तो फाइनाइट नंबर ऑफ जी पी। तो देख के समझ में आ रहा है 1, 5, 25 किस में है, जी पी में है, तो आप इजीली आंसर बोल सकते हैं जी पी, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टू क्वेश्चन रिलेटेड हैं, टू क्वेश्चन क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखिए क्या है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय जेड इक्वल टू, मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर कभी मत छोड़िएगा क्योंकि काफी इजी आता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। याद रखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो तो भी ये 2 आयोटा होता है और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो तो बस ये -2 आयोटा होता है। कैसे, क्योंकि जब आप इसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस 2 आयोटा, ये सब कंसेप्ट बताए हुए हैं, ये कैंसिल, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर में भी यही होता है, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो आप डायरेक्टली अगर देखें तो ये दिया है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, तो +2 आयोटा हो गया, यानी जेड इक्वल टू 1 दिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मॉड जेड क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1, और दूसरा व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये प्योर रियल नंबर है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 0, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पहले का मॉड जेड का 1 और आर्गुमेंट जेड का आंसर हुआ ये 1, आर्गुमेंट जेड का आंसर हुआ 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 19 डिग्री एंड tan 26 डिग्री, इन दोनों को ऐड करिए, दिस इज 45, ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कुछ रिलेशन पूछे हैं, q माइनस पी इक्वल टू 1, पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, पी प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, कोई उलझ भी सकता था, tan 19 tan 26 कैसे निकालेंगे, सिंपल सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय ए, ये हो गया क्यू। अब कैसे करेंगे, रिलेशन पूछा है, टेन 45 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं टेन 19 प्लस 26 एंड दिस इज, ये स्टेप लिखना नहीं है, हर स्टेप को सेव करना है, मुझे तो समझाना है आपको, नहीं आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखो माइनस पी यहां पर और यहां पर डायरेक्ट क्यू रखो, टेन 19 टेन 26। अब देखिए आपको एक्चुअल में ये करना था 1 इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू, यानी 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी, तो ऐसा हो जाएगा, ये चाहो तो इधर ले जाओ इसको, तो 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी, देखिए कोई है, यस दिस इज द राइट आंसर, क्यू माइनस पी इक्वल टू 1, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी एंड व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म हुज सम इज एन टर्म का समीशन दिया एन इंटू एन प्लस 1, मतलब एस एन दिया है लॉजिकली एन स्क्वायर प्लस एन, आपसे टी 4 बोला है सिंपल एस 4 माइनस एस 3, एक स्टेप में निकल जाएगा, एस 4 निकालेंगे तो कितना 4 इंटू 5 20, एस 3 निकालेंगे तो 3 इंटू 4 12, तो सीधा सीधा 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट कर लीजिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए व्हाट इज, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 plus 10 alpha plus 10 beta, sorry, 1 plus 10 alpha 10 beta whole square plus 10 alpha minus 10 beta whole square minus sec square alpha sec square beta, काफी सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इस तरह के हैं 0, 1, 2 एंड 4, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए इसके स्क्वायरिंग और डायरेक्टली ओपन कर दीजिए, इसका 2ab इसके 2ab से कैंसिल होगा, आपको एक्चुअल में ऐसा मिलेगा, एक स्टेप समझा जरूर रहा हूं पर आपको हर स्टेप को बचाने की कोशिश करना चाहिए, 2 tan alpha 10 beta प्लस 10 square alpha plus 10 square beta माइनस 2 tan alpha 10 beta माइनस sec square alpha sec square beta, देखिए ये कैंसिल इसमें से, और इसको अगर कॉमन लें तो ये, अगर इसमें से मैं 10 square कॉमन ले लूँ तो लॉजिकली देखिए 1 plus 10 square alpha बचा
एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस sec स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर बीटा, समझ में आ गया होगा, ये sec स्क्वायर अल्फा है sec स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल, देन आंसर विल बी जीरो, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन.